भाई साहब जब से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी क्या चली आई भाई साहब, हम तो पढ़ना ही भूल गए और स्कूल तो छोड़िए, हम तो कॉलेज भी नहीं जा पाते। अब 30 सितंबर तक कॉलेज जो बंद है, स्कूल भी बंद है। फिलहाल जो भी कहिए, इसी बीच में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक इसका सरल रास्ता निकाला गया। रास्ता क्या, एक प्रतियोगिता दी गई है जिसमें 60 सवालों के जवाब दीजिए और हर जिले में लैपटॉप मोबाइल और टैबलेट और ना जाने कौन कौन से पुरस्कार मिलेंगे। फिलहाल कांग्रेस नेता तनुज पुनिया ने प्रेस वार्ता कर क्या कहा, आइए सुनते हैं जानते हैं और खास तौर से छात्र तो बिल्कुल ही सुने कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, पिछले साल राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई थी, इस साल द्वितीय प्रतियोगिता इसी है। लेकिन लास्ट ईयर जहां स्कूल में बैठ करके लोगों ने, बच्चों ने एग्जाम दिया था, क्यों अब कोरोना काल में वो संभव नहीं है, तो इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किया गया है। साइट है www.yuvajosh.in, उस पर जा करके लोग रजिस्टर कर सकते हैं। मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे और मैसेज आएगा तो 13 और 14 सितंबर को 3 से 7 बजे के बीच में कोई भी आधे घंटे का स्लॉट आप जाके उधर शुरू कर लें अपने मैसेज के हिसाब से, और वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें पुरस्कार भी मिल रहे हैं, पहले तो अच्छा बड़ा प्रोग्राम करके और सामने पुरस्कार दिए गए थे, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना है तो हर जिले में इस तरह का प्रोग्राम नहीं हो पाएंगे भीड़ वाले, लेकिन उनको पुरस्कार भेज दिया जाएगा। और जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, उनको डिजिटल सर्टिफिकेट उनके मोबाइल पर अपने आप आ जाएगा। क्या मकसद है इस प्रतियोगिता को कराने का? इस प्रतियोगिता का जो जो टॉप हेडिंग है वो भारत का सशक्तिकरण हेडिंग है। इसमें जितने भी आपके जो स्कीम्स हुई हैं भारत को मजबूत करने के लिए, जितनी भी स्कीम्स हुई हैं, औद्योगिक विकास हुआ है, संचार क्रांति, जैसे हमारे अध्यक्ष जी भी बता रहे थे, संचार क्रांति कौन लाया, कैसे लाया, किस तरह की स्कीमों से हमारे भारत मजबूत हुआ है, और इसी तरीके के जैसे मनरेगा कानून हो गया जो आज कोरोना काल में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, खाद्य सुरक्षा नियम जो बनाए गए थे उससे वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ हमारे देश में इस समय कोरोना काल में, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास जो हमारे देश में हुआ है उसके ऊपर भी सवाल होंगे, और भारत के कला और साहित्य के ऊपर भी सवाल होंगे। तो ये सारे सवाल से जो हमारे जो बच्चे हैं, जो 16 से 22 साल के जो युवक हैं, जो अभी इससे अभी टच में नहीं है, जिनको ज़्यादा पता नहीं है समय क्या हुआ था या किस तरह से भारत का निर्माण हुआ है, वो ये सब चीज़ें पढ़ करके जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो उनको नॉलेज होगी कि भारत का निर्माण किस प्रकार से हुआ। अच्छा, पिछले साल भी ये प्रतियोगिता कराई गई, क्या फीडबैक रहा, क्या आप लोगों ने जाना इससे? फीडबैक बहुत अच्छा रहा, युवाओं ने बहुत मजबूती से इसमें पार्टिसिपेट किया था, और पिछली बार लगभग पूरे प्रदेश में 500,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस साल मात्र एक हफ्ते में 31 अगस्त तक 2,00,000 लोग रजिस्टर हो चुके हैं, और आगे ये संख्या बढ़ती जा रही है, रोज़ और ज़्यादा ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होते जा रहे हैं। और क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे सब जिलों में पूरे उत्तर प्रदेश के, तो मीडिया के माध्यम से जब ये सूचनाएं पहुंचेंगी, टीवी के माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, प्रिंट मीडिया दोनों से जब सूचना पहुंचेंगी, तो उम्मीद है कि और पिकअप करेगा रजिस्ट्रेशन का। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास, बच्चों के पास ये बात पहुंचेगी, सूचना पहुंचेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने की कोशिश में आएंगे। लैपटॉप जीतना है बच्चों को, मोबाइल है और आपका टैबलेट है, और इसके अलावा कॉन्सोलेशन प्राइज भी ढेर सारे हैं, तो ये सब जीतने के लिए भी लोग, बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ने और इसी प्रतियोगिता के रास्ते हम लोग कुछ उनको बता भी पाएंगे कि भारत का इतिहास क्या। क्या टारगेट है, कितने लोगों को शामिल करने, कोई टारगेट बनाया गया? हाँ, हमारा टारगेट 18,00,000 युवाओं को जोड़ने का है। इसमें 16 से 22 वर्ष के उम्र के बीच में जितने हैं, 18,00,000 का टारगेट है, और 18,00,000 हम लोग, 18,00,000 से ज़्यादा ही हो जाएगा जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हो। भाई साहब आप कुछ भी कह लीजिए, पर तनुज पुनिया की बातों को सुनकर क्या पूरा मांझा विस्तार पूर्वक ही समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से सुन लीजिएगा, वीडियो बैक कर लीजिए। पर हाँ, छात्रों के लिए ये अहम और एक सुनहरा मौका है, भाई साहब घर ही में तो बैठे हो, लैपटॉप आ जाओगे। फिर बाराबंकी जबरदस्त उत्तर प्रदेश के लिए ABN News 24 की ब्यूरो रिपोर्ट, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।